वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति न श्रुति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दशम स्कंद अध्याय नंबर 12 अघासुर का वध और श्लोक नंबर 5। मुष्णन्तो अन्योनिसिख्यादि ज्ञातान् आराचचिक्षिपुः तत्र तत्याश्च पुनर्दूरात् दसन्तस्य पुनर्दधुः। मुष्णतो अन्योन्यसिख्यादीन् ज्ञातान् आराचचिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् दसन्तस्य पुनर्दधुः। मुष्णन्तो अन्योन्यसिख्यादीन् ज्ञातान् आराचचिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् दसन्तस्य पुनर्दधुः। मुष्णन्तः चुराते हुए अन्योन्य एक दूसरे से सिक्क आदि कलेवा के डिब्बे तथा अन्य वस्तुएं ज्ञातान् उसके असली मालिक द्वारा
जान लिए जाने पर आराध्या दूर स्थान को चिकचितु फेंक दिया। तत्रत्याचा जो उस स्थान पर थे वे भी पुनः दूरा और आगे हसंता चा पुनः ददुहु हंसते हुए फिर से मालिक को लौटा दिया। अर्थ और तत्पर्शी को बाद अर्थी को बाद की अर्थ सारे ग्वालवाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहाँ पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक रो देता, तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। तात्पर्य, इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है जहाँ से यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्मादयस्ततः वेदांत सूत्र 1:1-2। यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहाँ का यह उल्लास शाश्वत है जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहाँ का उल्लास ब्रह्म होता है और यहाँ का जड़। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र 1:1-1। कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पथ पर आनंद पा सकते हैं। वे न केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोग के प्रति आकर्षित करते हैं। श्रीचैतन्य मनोविष्णम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरा ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशिष्य शून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पद्रूपेश्चा कृपा सिन्धुदेवेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतस्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वो आशीर्वाद दें हमको, हम कृष्ण की ये सुंदर लीलाओं पर थोड़ा चर्चा कर सकते। तो ये जो श्लोक है ये साखर के बारे में बताता है। तो जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो अवतरित होने का कारण क्या होता है? परित्राणाय साधुनाम विनाशाचार दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी। तो परित्राणाय साधुनाम, साधु लोगों का उद्धार करने के लिए,
तो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे भाई साधु लोगों का तो वैसे भी उद्धार हो जाएगा, उद्धार करने की आवश्यकता क्या है। तो यहां जब साधु बोला गया है, साधु बोलने का अर्थ है जो लोग सत्वगुणी हैं, सत्वगुण में, तो जो लोग सत्वगुण हैं, जिनके पास विवेक बुद्धि है, उचित अनुचित में भेद कर सकते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरे साधु हैं, वो हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, काफी अग्रणी हैं, किंतु वो भगवान के ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो इसलिए वो भगवान की मधुरता नहीं देख पाते हैं, तो लगता है कि अरे भगवान तो बहुत महान है, तो भगवान उनको अपनी मधुरता का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं कि मैं सिर्फ महान नहीं हूं, मैं बहुत मधुर भी हूं। इसलिए भगवान अपनी माधुर्य लीलाओं द्वारा उनको आकर्षित करने के लिए आते हैं, जो कि भगवान के ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि भगवान कितने महान। और जो भक्त भगवान के प्रेमी भक्त हैं, तो वो भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उस विरह के कारण, वैसे उसको दुख नहीं कहेंगे, वो सुखी है, लेकिन जो विरह का दुख है वो भी सुख की तरह ही है, उसको दूर करने के लिए भगवान आते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के जो साधु हैं, उनका उद्धार करने के लिए, परित्राणा है साधु नाम, उसके लिए भगवान आते हैं। तो जो सत्वगुणी लोग हैं, उनको भक्ति को आकर्षित करने के लिए, जो भगवान के ऐश्वर्य चकाचौंध हैं, उनको अपनी मधुरता दिखाने के लिए, और जो पहले से भगवान की मधुरता के प्रति आकर्षित हैं, उनका जो विरह का दुख है उसको दूर करने के लिए, तो इस तरह से परित्राणा है साधु। फिर विनाश आए चाहे दुष्कृता, तो उसके लिए भी ज्यादा भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, शिव पार्वती काफी है उसके लिए। तो क्योंकि सारे जो भी भौतिक क्रियाकलाप होते हैं वो शिव और पार्वती कारण होते हैं, तो जब चाहें शिव और पार्वती किसी का भी संहार कर सकते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि शिव जी अहंकार का द्योतक हैं और पार्वती इस भौतिक प्रकृति का द्योतक हैं, और सारे जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो अहंकार और प्रकृति के कारण ही होते हैं, तो वो कर सकते हैं ये काम, लेकिन फिर भी भगवान क्यों आते हैं? विनाश है दुष्कृता, उन असुरों का वध करने के लिए आते हैं जिनको भक्तों के आशीर्वाद से, वैसे शराब बोलते हैं लेकिन आशीर्वाद ही बोलेंगे, उसके कारण उनको वो वरदान प्राप्त है कि मात्र कृष्ण ही उनको मार सकते हैं। तो क्योंकि उनको भक्तों ने वरदान दिया है कि कृष्ण आपके आके उद्धार करेंगे, तो फिर कोई और मार ही नहीं सकता है, कौन मार सकता है? कृष्ण ही मार सकते हैं, तो उसलिए कृष्ण आते हैं। जैसे कि पिछले जस्ट अभी पिछले अध्याय में हमने देखा भगवान ने बकासुर का वध किया, उसके पूर्व जन्म की भी कथा आती है कि वो हयग्रीव नामक असुर का पुत्र था जिसका नाम था उत्कल, और वो इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को पराजित करके उसका छत्र छीन लिया था, और उसके बाद उसने सारे राजाओं को हरा कर इस संसार में 100 वर्षों तक राज्य किया। तो एक बार वो बंगाल में आया था गंगा सागर में, तो गंगा सर में आके जहां पर जजली ऋषि तपस्या कर रहे थे 60,000 वर्ष से, तो वहां पर आके आ गया और उसी के पास में बैठा हुआ था, और जजली मुनि के सामने ही अपनी बांसुरी से एक एक करके मछली को पकड़ता था यूं और खाता था। तब बंगाल की हवा से बहुत प्रभावित हो गया था, तो उसने भी मछली खाना चालू कर दिया। तो जजली ऋषि बोले, देखिए भले ये बंगाल में है पर यहाँ आप मछली नहीं खा सकते हैं, यहाँ पर मछली खाना वर्जित है, इसलिए बंगाल याद आते नहीं हैं, आप भी मत ऐसा मत काम करिए। लेकिन सुन ही रहा था, खाया जा रहा था, खाया जा रहा था।
तब जजलील ऋषि को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बोला कि तुम एक वक की तरह कार्य कर रहे हो, तो ये शरीर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जाके वक बन जाओ। तो इसलिए वो वकासुर बन गया। तो जब भी श्राप मिलता है लोग बहुत ज्यादा नम्र हो जाते हैं, तो हमेशा की तरह वो भी नम्र हो गया, क्षमा याचना मांगने लगा, कह रहे आप तो इतने बड़े ऋषि हैं। जरी मुनि सोच रहे तब पहले समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ रहा है, तो बहुत प्रशंसा करने लगा। तो फिर जरी ऋषि बोले कि कोई बात नहीं, जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस तरह से वकासुर का पूर्व जन्म आता है, तो विनाश आया था दुष्कृता। तो ऐसे जो असुर हैं जिनका संहार करने के लिए कृष्ण को ही आना है, तो कृष्ण फिर इसलिए आते हैं। इसलिए जितने भी असुर कृष्ण ने मारे सबका पूर्व जन्म है, किसने श्राप दिया। तो कई बार एक भक्त पूछ रहा था क्लास में सबसे, सन्यासी बैठे हुए थे, कहते महाराज शुद्ध भक्त बनना तो बड़ा मुश्किल लगता है, माला पकड़ते ही नींद आ जाती है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान तो समान है, असुरों का भी उद्धार करते हैं और भक्तों का भी उद्धार करते हैं, क्यों ना असुर बना जाए। तो ये असुर साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने भी लोगों को श्राप मिला है कि कृष्ण से ही मारे जाएंगे, उनको कृष्ण एक बार में आके निपटाते हैं। उतने समय तक अगर भक्ति करेंगे तो अपना ही नहीं जाने कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए भक्त बनना आसान है, असुर बनना ज्यादा टफ है। तो विनाश आया जाए दुष्कृता, और फिर धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो ज्यादातर धर्म संस्थापना का मतलब है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म का को स्टेब्लिश करके भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। तो उस तरह से भगवान युधिष्ठिर महाराज को सारे संसार का सम्राट बनाकर इस वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करते हैं, और साथ में वो जाते जाते अपनी लीलाएं छोड़ के जाते हैं, जिसके द्वारा वैष्णव धर्म का की स्थापना होती है। क्योंकि तो भक्त लोग अगर दुखी हुए हैं तो कुछ तो चाहिए उनको जिसके बारे में वो चर्चा कर सके, श्रवण कर सके, ध्यान कर सके। तो उन लीलाओं में भक्तों को डुबोने के लिए और वैष्णव धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ये तीनों कारणों से भगवान प्रकट होते हैं, धर्म संस्थापनार्थ है। तो जो लोग लीलाओं को देखते हैं उनका तो उद्धार होता ही है, जो उसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उनका भी उद्धार होता है। तो इस तरह से भगवान ये तीनों चीजें करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापना। और ये स्पेशल है तीनों के समय बात की। तो उस तरह से वकासुर का वध करने के बाद में, जैसा कि हम सुन रहे थे कि सारे गोप सखा एकदम आनंद में थे और कृष्ण की लीलाओं के बारे में सब जगह बता रहे थे, यहाँ वहाँ मधुर मधुर गीत बनाकर गा रहे थे। तो सब लोग बड़ी आतुरता के साथ यशोदा माई के पास गया कि देखिए कैसे कृष्ण ने बकासुर को उद्धार किया। जब यशोदा माई ने सुना तो उनको आनंद नहीं आया, पूरी तरह से वो भयभीत हो गई। अरे बाप रे, अभी भी असुर लोग आते रहते हैं। यशोदा मैया बहुत डर गई, बोली कृष्ण से, कन्हैया से, बोले कि आप जाने की जरूरत नहीं है वन में, हमारे पास नौकर चाकरों की कमी है क्या? हाँ, तो हम नंदरानी हैं, जिसको बोलेंगे भेज देंगे। तो ये बछड़ों को ले जाके चराने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम घर में रहो और कोई और सेवा करे। तो कृष्ण जाके सुनते हैं, कृष्ण बोलते हैं मैया, ये गोप सखाओं के साथ हम दिन भर खेलते रहते हैं, तो इनकी बात पे आपने विश्वास कर दिया तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आप तो नंदरानी, आपकी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है इतना बड़ा बतख, मैं इतना छोटा सा कोमल शरीर, तो मैं कैसे उसको मार सकता हूँ?
तो उन्होंने बोला और आपने मान भी लिया, बड़े ठीक है, बच्चे बच्चों की बात समझ जाते हैं, समझ में आता है, बड़े लोग भी मान जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो यश लोगों ने ठीक है ठीक है, अभी ज्यादा अकलमंदी की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में घर में कृष्ण आते हैं, और उसके बाद शाम के समय ही अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, और उस बांसुरी सुन के ही सब लोग वहां पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके बारे में श्लोक है, ये पीछे भी आप दोहरा सकते हैं, सुंदर श्लोक है। मंदार मूले वदनाभिरामम, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, गो गोप गोपी जनमाद्य संस्थम, गोविंद दामोदर माधवेति। मंदार मूले, मंदार मूले मतलब जो कल्प वृक्ष हैं उनकी जड़ के नीचे, मंदार मूले वदनाभिरामम। तो वो भगवान जो अपने मधुर शरीर द्वारा हर किसी को आनंद देते हैं, वदनाभिरामम। बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, तो जिनका अधर मतलब जो उनके इनके ओंठ किसके जैसे हैं, बिंबा फल जैसे, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम। तो वो जो मधुर ऊंट हैं जिन्होंने अभी तक यशोदा का स्तन पान किया था, अभी वो क्या करते हैं, वेणु नादम, अभी वो वेणु बजाते हैं, बिंबा धरे पूरे के वेणु नादम। गो गोप गोपी जन मध्य संस्था, तो सारे गाय गोप और गोपियां वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बीच में कृष्ण बांसे हो जाते हैं मध्य संस्था, गोविंद दामोदर माधव। तो इस तरह से वो सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे, तो उसको सुनकर यशोदा की एक जो सहेली थी सखी, तो मतलब एल्डरली वो यशोदा की सखी, वो बोलती है कृष्ण से, कृष्ण तुम इतने छोटे से हो, तभी तक तुम यशोदा का स्तनपान कर रहे थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे ओंठों में इतनी ताकत है, शक्ति है, कि तुम इतनी सुंदर वेणु बजा सकते हो, और मैंने तो कभी कोई देखा नहीं कि भाई यशोदा मैया ने किसी मास्टर को लगाया है, टीचर को लगाया है सिखाने के लिए, तो कहाँ से सीखा है तुमने ये। तो जब कुछ चीज़ों के जवाब नहीं होते हैं तो कहने हैं कि भाई सुंदर सा उत्तर है, क्या करते हैं, मुस्कुराए थे, तो मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोले नहीं। तो कहते हैं कि एक बार फिर से बजाओ, अगर तुम फिर से बजाओगे तो मैं तुमको केसर का तिलक लगाऊंगी। तो फिर कृष्ण भगवान अपना बांसुरी बजाना चालू करते हैं, सबके मन को मोहित कर देते हैं, इसलिए नहीं कि तिलक लगाना है, क्योंकि वो सारे भक्तों को प्रसन्नता देना चाहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण फिर अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं, और फिर उसके बाद कृष्ण सो जाते हैं। फिर सुबह जब उठते हैं तो कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि आज हम वन भोज करेंगे, वन में भोजन करेंगे, तो इसलिए आप खाने की तैयारी कीजिए। यशोदा सुनती है तुरंत मना कर देती है, वन भोजन बिल्कुल नहीं, तो खाना है घर में खाओ, घर खाने की जगह है, वन खाने की जगह नहीं है, वन तुम्हारे नहीं गाय लोगों के खाने की जगह है। तो फिर कन्हैया बोलते हैं कि ठीक है, देखो जो हमको करना हम तो कर ही लेते हैं, व्यवस्था करना है करो, नहीं तो हम व्यवस्था कर लेंगे। तो यशोदा कहती है ठीक है हम ही व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर उधर से बलराम जी अपना भोपा बजाते हैं दूर से, तो उनके उसको सुन के कृष्ण को सिग्नल आ जाता है कि सारे गोप लोग तैयार हैं और फिर वन की ओर जाना है। लेकिन तब यशोदा बोलते हैं थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा व्यवस्था करना है, तो वो आइटम्स तैयार करती हैं जो फटाफट तैयार हो जाते हैं,
दिल में समय नहीं लगता है, रेडीमेड आइटम्स तो बहुत सारे आइटम्स थे, तो उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो दही ऐसा लग रहा था, मान लीजिए आइसक्रीम है तो दही था। फिर दूध एकदम चंद्रमा जैसा दिख रहा था, सॉरी मक्खन, मक्खन एकदम चंद्रमा जैसा दिख रहा था, तो मक्खन था। फिर रबड़ी, तो रबड़ी ऐसी लग रही थी, मान लीजिए क्षीर सागर में थोड़ा सा उफान आया हो, जब उफान आता है तो क्या है, ऊपर कुछ झाग आ जाता है, एकदम झाग जैसी लग रही थी रबड़ी, वैसी रबड़ी थी। फिर पनीर भी था, इसको उनके भक्तों को बहुत पसंद है। तो पनीर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बर्फ गिरी हुई है, जब बर्फ गिरती फ्रेश स्नो, तो जो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ या फिर कहीं हिल स्टेशन में गए हुए तो उन्होंने देखा है, देखा होगा। जब थोड़ी बर्फ समय हो जाता है तो काली पड़ जाती है, उसमें भी घास उग जाती है, बर्फ में घास उग जाती है, बड़े आश्चर्य की बात, उग जाती है, इसलिए जब फ्रेश होती है तो एकदम सफेद दिखाई देती है बर्फ। तो बद्रीनाथ हम जब गए थे केदारनाथ में तो वैसे ही दिख रहे थे, वैसे वो थे पनीर। फिर खोया था, कहते हैं खोया इतना सुंदर था कि ऊपर से जब देवता लोग देख रहे थे तो वो भी बड़े लालायित हो रहे थे कि थोड़ा हमको खाने को मिल जाए तो अच्छा है। खोया मतलब खोया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा घी निकलते रहना चाहिए, टपकते रहना, तब वो असली खोया होता है। तो छोटे में हमने देखा है, वो लोग डिस्प्ले करते हैं जानबूझ के, प्लेट पूरा खुला रखेंगे, खोया रखा रहता है, नीचे से घी निकलता रहता है खोया से, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं दुकानदार। खोया था वहाँ पर। फिर बहुत सारे अलग अलग केक थे, और वो ऐसे लग रहे थे मान लीजिए चंद्रमा की धुरी हो, मतलब गोल गोल थे केक, चंद्रमा की धुरी जैसे। फिर मिश्री थी, मिश्री ऐसी थी जैसे मान लीजिए ओले हो, ओले गिरते हैं, ओले जैसे देखने वाली बहुत सारी मिश्री थी वो रखी हुई। फिर चीड़ा दूध और कपूर के साथ में, जो चीड़ा दही फेस्टिवल बाद में नित्यानंदपुर में दिखाया वो इसी का रेप्लिकेशन था। तो चीड़ा दूध और कपूर के साथ में था, और खीर इतनी मधुर थी कि यदि चंद्रमा की किरणों को एक साथ कंसंट्रेट कर दिया जाए तो उससे जो तैयार होता है, देवता लोग उसका पान करते हैं, देवता और पितर, कहते हैं अमावस्या का जब दिन होता है तब उसको सपान करते हैं, इसलिए चंद्रमा में चंद्रमा उस दिन उदय होता है क्योंकि वो सपान करते हैं, कंडेंस्ड मून साइन। लेकिन वो उससे भी मधुर थी क्या, खीर, तो खीर लेके गए थे। फिर साउथ इंडियन लोगों को सुन के बड़ा आनंद आएगा कि नींबू और आम का अचार भी था। नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, साउथ इंडियन में सबसे ज्यादा खाते, नींबू का अचार और आम का अचार था, पापड़, नमकीन, भुजा, ऐसे बहुत सारे व्यंजन थे, इतने व्यंजन थे कि मार्केट में मिलते भी नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि उनका विवरण करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बोलेंगे भी तो आप पहचान नहीं पाएंगे, तो देखा नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स थे। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे आइटम्स थे, और कृष्ण सारे गोप सखाओं को बोले कि आज अहंकार मत दिखाना, सबको सेवा करना है। तो सबको सेवा देते हैं, क्या सेवा देते हैं, सबको सेवा देते हैं ये लंच बॉक्स कैरी करने का। तो सब लोग एक एक लंच बॉक्स उठाते हैं, पर फिर वो काफ़ी नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत सारा सामान था, बहुत सारे व्यंजन थे। तो फिर यशोदा क्या करती हैं, यशोदा सबके लिए एक एक लकड़ी अरेंज करती हैं, लकड़ी और रस्सी। तो सब लोग के कंधे में एक लकड़ी थी, रस्सी से दोनों साइड में लंच बॉक्स बंधे हुए थे, टोकरी में, टोकरी में बहुत सारा सामान रखा था। इस तरह से सबके सब लकड़ी लेके फिर आगे जा रहे थे। तो जब कृष्ण निकलने ही वाले थे तो यशोदा मैया उनको वैजयंती माला पहनाती है और एक बांसुरी देती है, और फिर कुछ दूरी तक उनके पीछे पीछे जाती है। तब कृष्ण सारे गोप सखाओं को कहते हैं ये जो मुनि लोग हैं ये कितना भी तर्क वितर्क कर ले,
पर इनका हृदय कभी भी पिघलेगा नहीं। मुनि लोग कितना भी तर्क वितर्क कर लेंगे, हर हृदय कभी पिघलने वाला है, वो सब एकदम ड्राई लोग हैं, सूखे हुए। सिर्फ आचार्य लोग उनके भर्त्सना नहीं करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, तो कृष्ण ने भी नहीं छोड़ा। पर उसी तरह से अगर ये सारे व्यंजन तुम पीछे पीछे लेके जाओगे बछड़ों के, तो ये भी पिघलेंगे नहीं। तुलना करते हैं उनके हृदय से उन व्यंजनों की, करे पिघलेंगे नहीं। तो इतना बटर वगैरह ना सब कुछ पिघल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मक्खन है। पहले इसके पीछे पीछे चलो बछड़ों के, और फिर जब वो लोग आगे जाते हैं तब तक वहाँ पर एक ज्योतिषी आ जाता है। ज्योतिषी देख के तुरंत यशोदा मैया को और रोहिणी को याद आता है कि आज बलराम जी का कुछ महत्वपूर्ण दिन है, आज उनका जन्मदिन है। तो फिर वो बलराम जी को रोक लेती है। बलराम जी बेचारे क्या करें, रुक जाते हैं, रुकना पड़ता है, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था, उनको बहुत सारे संस्कार करने थे, तो यज्ञ दान वगैरह करना था, तो वो रुक जाते हैं। और फिर कृष्ण आगे जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे श्लोक हैं उसके डिटेल के बारे में, तो लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो उनके हाथ में बांसुरी थी, बांसुरी बजाते हुए आगे जा रहे थे। जो कमर में उनकी बेल्ट रहती है, उत्तरी जो कसे रहते हैं कमर में, तो उसमें लकड़ी थी दाएं तरफ, और फिर भोपा भोपा भी था उनका, बफेलो बगल और भोपा कहते हैं, तो भोपा था। और उनके बालों में जो कि घुंघराले बाल हैं, उसमें मोर का पंख था। गले में गुंजमाला थी, फिर मकर कुंडल दोनों कानों में, उंगलियों में अलग अलग अंगूठियां थी, गले में वैजयंती माला तो यशोदा माई ने ही पहनाई थी, और हृदय में एक सुनहरे रंग की लाइन है, जो कि किसका देवतक है, लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी को हृदय में स्थान मिलता है, पर रासलीला में स्थान नहीं मिलता है, व्यासर की बात। तो विष्णु भगवान चरणों में भी स्थान देते हैं, चरण दबाने के लिए देते हैं, लेकिन रासलीला में स्थान नहीं मिलता है। तो वो थे। और फिर उन्होंने क्या नाम, यशोदा मैया ने बाजूबंद और बहुत सारी चीज़ें पहना रखी थी उनको, लेकिन कृष्ण को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। उनको पसंद क्या आता था कि जब उनको अलग अलग पुष्पों द्वारा, वन के ही जो पुष्प थे वृंदावन के, उनके द्वारा, पत्तियों द्वारा, और जो अलग अलग धातुएं हैं उनके द्वारा गोप लोग सजाते थे, तो वो जो सजाते थे गोप लोग उनको अलग अलग धातुओं द्वारा, वो ज़्यादा पसंद में आते थे। ये सोने के आभूषण उनको पसंद नहीं आते थे। तो इस तरह से कृष्ण अलग अलग चीज़ों में सुसज्जित थे बाद में। और गोप लोग थे, गोप लोग भी पूरी तरह सजे हुए थे, तो सर में पगड़ी, वो भी अलग अलग रंगी धोतियाँ पहने हुए थे, कानों में गुंज के जो फल होते हैं उनको धारण किए हुए थे, कुछ लोग लकड़ी लिए हुए थे, कुछ अपनी बांसुरी लिए हुए थे, कुछ भोंपा लिए हुए थे, तो वो भी वैसे ही सुसज्जित थे जैसे कृष्ण सुसज्जित थे। उतना डिटेल नहीं था, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ पहने हुए थे। और सारे देवता लोग ऊपर से उनका दर्शन करते रहे थे। और इस तरह से जब कृष्ण आगे जाते हैं तो सारे गोप लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि मैं कृष्ण को पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा। फिर से कृष्ण को जब वो छूते हैं तो पूछते हैं किसने छुआ। तो कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, कृष्ण कहते हैं देखो सब लोग मिलने के लिए आए तो मिल रहे हो ना, साथ में पहले कौन आया बाद में कोई आया क्या फर्क पड़ता है, मीटिंग में कौन पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, मीटिंग तब तक शुरुआत में होती है जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं आता है, तो क्या फर्क पड़ता है कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इस तरह से सब लोग स्पर्धा करते हैं कृष्ण को छूने की। और फिर ये जो श्लोक में लीला आती है वो लीला चालू होती है लंच बॉक्स वाले। तो जो गोपों के पास में लंच बॉक्स थे वो लोग क्या करते थे,
तो कोई भी लेके उसको ऐसे स्थान पे छुपाता था जहां पे बहुत सारी कटीली झाड़ियां हों और लाल लाल चींटियां हों, ताकि कोई और उसको पकड़ नहीं पाएगा। और इतने सारे गोप सखा थे, तो कहाँ पे किसने क्या छुपाया है बड़ा मुश्किल था। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में कई बार होता है, बहुत सारी धोतियां जब एक ही रंग की दिखती हैं, कुछ लोग अवधूत भी होते हैं तो कब किसने किसकी पहनी हुई है कई बार पता नहीं चलता है। तो इस तरह से इतने सारे लंच बॉक्स थे, तो कहाँ पे छुपाया है ढूंढना बड़ा मुश्किल था। फिर भी गोप जिसका लंच बॉक्स चुरा लिया ज्यादा था, तो बड़ी मुश्किल से वो सखा ढूंढ के आता था कि अरे भाई कहाँ पे लंच बॉक्स है। और जब मिल जाता था तो जैसे ही उसको खोलने की कोशिश करता था तो दूसरा सखा उसको पकड़ के करता था, छीन ले जाता। तो ये बोलता है दो 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 दो, ठीक है ले लो। और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता था लेने के लिए, उसको फेंक लेके दूसरे को फेंक दिया करते थे। फिर दूसरे से बुला रहे, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम दे दो। कह रहे किसने मना किया, मित्र नहीं है, आओ लो। और जैसे लेने की कोशिश करता था फिर तीसरे के पास। तो ऐसा करते करते जब उसको समझ में आता कि ये लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, तो रोने लगता था। और जब वो रोने लगता था तब वो लोग लंच बॉक्स दे देते थे, ठीक है हमारा खेल खत्म हो गया। तब हम मुस्कुरा के उसको लेकर भाग। तो सर से प्रभुपा जी कहते हैं कि ये सारे बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें की होंगी छोटे में। हमारे क्लास में जो सबसे मोटा फ्रेंड था हमारा, तो मोटे लोगों की एक आदत है, वो हमेशा क्या बोलते हैं, मैं बहुत कम खाता हूँ। ये बहुत फेमस डायलॉग है, जो मोटे लोग हैं तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं। तो सर दो पराठे लाता था, एक एक पराठा चार के बराबर था, लेकिन कहता मैं दो ही पराठे खाता हूँ। तो अपना भी खाता था और सबका आधा लंच बॉक्स उसी का था, सब का खाता था। और बोल दो अरे इतना खाते मोटे हो गए, नहीं मैं तो सिर्फ दो ही पराठे खाता हूँ। तो ये सारी टेंडेंसी कहाँ से आ रही है, प्रभुपाद जी लिखते हैं सब के सब आध्यात्मिक जगत से आ रही है। तो जो लोग धीर गंभीर मुनि हैं, ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो वो समझ नहीं सकते कि ये भाई ऐसी भी कोई भक्ति हो सकती है। भक्तों में जो थोड़े गंभीर भक्त होते हैं, और कुछ भक्त आपस में मजाक कर रहे हैं, तो उनको हजम नहीं होता कि यार ये भक्तों के हजम मजाक कैसे कर सकते हैं। तो गंभीर लोगों को एक बार समझ में नहीं आता है। तो ये रस है, इस तरह से उनको परेशान करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो मोरों के बीच में चले जाते हैं। और जैसे मोर गर्दन हिला हिला के नाचता है, तो भी गर्दन हिला हिला के नाचते हैं। और फिर कई बार कृष्ण इतना सुंदर नाचते हैं कि मोर लोग स्तब्ध हो जाते हैं, वो देखने लगते हैं कि बाप रे ये तो हमसे ढंग ना कर रहा है। इसलिए कृष्ण सबके बाप है, आम बीज पिता पिता, वो सबके पिताजी है। तो फिर मोर लोग सीखते हैं कैसे नाचना सीख। उसके बाद में जब वो बतखों के पास में जाते हैं, तो बतखों का एक विशेष गुण क्या है, वो शरीर को कहीं कहीं फुलाते हैं कहीं कहीं पिचकाते हैं। देखा आपने बतख लोग, तो गोप लोग भी क्या करते हैं, वो भी कभी कभी कहीं कहीं शरीर पिचकाते हैं और फुलाते हैं बिल्कुल बतख जैसे। बाकी लोग ताली हो जाते हैं, अरे ये तो इससे भी एक्सपर्ट है। फिर कई लोग मेंढक के पास जाते हैं, मेंढक जैसी आवाज निकालते हैं, मेंढक का कॉम्पिटिशन करते हैं। मेंढक जब पानी में कूद जाता है, वो भी पानी में कूद जाते हैं, मेंढक डर के भागता है। उसके बाद बहुत सारे गोप लोग हैं, वो जब देखते हैं कि जमीन में परछाई पड़ रही है किसकी, पक्षी की, तो फिर कंपटीशन होती है कौन एग्जैक्टली परछाई को फॉलो करेगा। मतलब यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, बहुत कठिन है, कोई ट्राई कर सकता है। तो पक्षी की अगर परछाई नीचे पड़ रही है उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो पक्षी तो आसमान में, उसका कोई उसके लिए कोई बैरिकेड नहीं है, यहाँ बहुत सारे बैरिकेड आते हैं। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन होती है परछाई को कौन कौन एग्जैक्टली फॉलो करेगा। फिर कुछ लोग बंदर के पास जाते हैं,
अब बंदर को जब भी देखेंगे, बंदर बहुत ही व्यस्त रहता है और बहुत सीरियस दिखाई देता है, खास कर बैठे हुए, तो उनकी गंभीर मुद्रा देख के वो भी वहीं पे एक बार गंभीर मुद्रा करके देख के वहां पर बैठ जाते हैं, और फिर बंदर भी वो देखते हैं, बंदर उनकी वो देखते हैं। फिर बंदर जब कंफ्यूज होता है, कहते हैं ये भाई ऐसा क्यों बैठा हुआ है, तब वो क्या करते हैं, उसकी पूंछ खींचते हैं, और जब वो पूंछ खींचते हैं तो बंदर डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और जब वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, गोपी उनके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और फिर उनके जैसे ही बैठ जाते हैं, फिर तो सर से बंदरों के साथ में वो खेलते हैं। फिर कभी कभी वो लोग राजा वजीर का गेम खेलते हैं, राजा मंत्री, राजा मंत्री वजीर बोला सब, तो राजा मंत्री, तो एक गोप राजा बन जाता है, बाकी लोग मंत्री बन जाते हैं। फिर एक गोप को प्रस्तुत किया जाता है, कि सरकार उसने चोरी की है, तो फिर दोनों जगह से एविडेंस आते हैं, जब एविडेंस आते हैं तो उस राजा की बुद्धि दिखी जाती है जो गोप बना है, कि वो ठीक से उसको पकड़ पाता है कि नहीं पकड़ पाता है। तो दोनों से जगह से जब दलीलें होती हैं, तब वो पकड़ता है कि हाँ ठीक है अपराधी है, तो सजा मिलनी चाहिए। तब तक चोर के कुछ फ्रेंड्स आते हैं भेड़ बन के, वो आके यहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इस तरह से वो लोग गेम खेलते हैं। फिर कुछ लोग हैं वो चीते की तरह आवाज निकालते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के आंख के सामने हाथ रख लेते हैं, पूछते हैं कौन हो, कौन है, फिर उनको गैस करना पड़ता है कौन है। फिर वो आपस में कई बार क्या करते हैं, तो जो चीज प्रतिबंधित है वो भी करते हैं, क्या करते हैं, कई बार एक दूसरे के चीजें छीन लेते हैं, तो यहाँ का वहां, वहां का वहां, चीजें को यहाँ रखा है, इसके पास रखा है, इसका लिया उसके पास रखा, उसका लिया उसके पास रखा, तो इतना ज्यादा मिक्सचर हो जाता है, और गोप कितने हैं, असंख्य गोप है, तो सबका सामान जब अस्त व्यस्त हो जाता है, इसका चुराया उसके पास रखा, उसका चुराया उसके पास रखा, तो रखते रखते किसका किसके पास है ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली दिन के अंत में सबको पता चल जाता है किसका सामान किसके पास है। तो इस तरह से वो चीजों को यहाँ वहाँ रखते हैं। कई बार वो लोग जुआ भी खेलते हैं, हमको नहीं खेलना चाहिए, तो उसमें अपने अपने डंडियाँ, भोपे, बांसुरी, ये सब दांव पे लगाते हैं। तो आजकल लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, और बहुत घोटाला होता है उसमें, कहाँ से आता है, सब यहीं से आता है। तो मैच फिक्सिंग का भी जो दांव लगाने का जो इंटरेस्ट है, कहाँ से, यहीं से आता है। तो इस तरह से वो सब लोग करते हैं। तो इस तरह से सारे गोप सखा और कृष्ण जैसे शेर के बच्चे खेलते हैं, या हाथी के बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते हैं, तो उस तरह से बंदरों की तरह यहाँ यहाँ वहाँ उछलते कूदते दिन भर खेलते रहते हैं। ये है आध्यात्मिक जगत का आनंद, जिसकी ओर कृष्ण सबको आकर्षित करने के लिए आते हैं। तो मुझे भी अपने जीवन में याद है कि जब आईटी की पढ़ाई करके मैं बहुत परेशान था, तो एक बार फॉर्म भरने के लिए एक दुकान में गया था कोटा में, मेरे को अभी याद है, तलवंडी सर्किल है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक दुकान, तो वहाँ पे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए गया था। समहा वो गौड़ीय वैष्णव था वो जो दुकानदार था, तो उसके घर में एक फोटो रखी हुई थी कृष्ण बलराम और सारे गोप सखा के, पीछे पीछे भाग रहे, तो वो देख के मैं बहुत आकर्षित हो गया था, उसको बोला था कि ना ये फोटो दो। तब उस दिन मैंने प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान ये आईटी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ये जीवन अच्छा है, मुझे ये जीवन जीना है, ये जीवन जीने लायक नहीं है। तो भगवान ने अरेंजमेंट किया, इतनी खराब रैंक आई कि आईटी खड़गपुर ही लेना पड़ा। तो समाओ भक्त लोग मिल गए। तो भगवान ये सारी लीला आके करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इन लीलाओं की ओर आकर्षित हों, और हम भी भगवत धाम जाने की वो इच्छा रख सकें।
क्योंकि जीव मात्र एक ही चीज कर सकते हैं इस दुनिया, वो है इच्छा। बाकी सारी चीजें परमात्मा ही करते हैं, तो उस इच्छा को बदलने का काम भगवान करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। तो ऐसे ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, हम सबको अपने धाम की ओर आकर्षित करते हैं।